नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। और सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, एक चला रहा है कि नायब तहसीलदार का भी जो पेपर होना है दिल्ली का, ये क्या है? डीडीए के थोड़ी इसकी चर्चा करते हैं, इसका पैटर्न क्या होगा, पैटर्न में क्या चीज आएंगी, कैसे होगा। तो अभी प्लानिंग असिस्टेंट का एग्जाम हो रहा है। प्लानिंग असिस्टेंट के एग्जाम में जो बात की गई है वो है 80-40 की। 80-40 का मतलब है, उनमें जो उनके नोटिफिकेशन में आया है, मैं पहले भी बात बोल रहा था आप लोगों को, देखिए मैं जो भी जितनी बार मैं बोला हूँ या जो भी अनुमान लगा के बोलता हूँ, यार इतना तो एक्सपीरियंस हो चुका है एग्जाम दे करके, सलेक्शन लेने के बाद या बहुत सारी चीज़ों में, और इतने पढ़ाते हुए इतने साल हो गए कि अनुमान बिल्कुल सही होता है। उस पे प्लानिंग असिस्टेंट वाले में 80:40 का है, इसमें टोटल क्वेश्चन है 120, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी आपका जो नायब तहसीलदार में जो 80:40 रहेगा, 40 का मतलब ये है कि इसमें 10 मार्क्स में जीके आ जाएगी, 10 मार्क्स में आपका इंग्लिश है, 10 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आ जाएगी और 10 मार्क्स की आपकी मैथ आ जाएगी, ठीक है 40 में। बाकी का जो पैटर्न है आपका जीएस का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और जब भी किसी भी स्टेट का जब भी एग्जाम होता है तो उससे स्टेट से संबंधित चीज़ें ज़्यादा होती हैं, खासकर इसे इसमें स्पेशल एक्ट के बारे में बात की गई है। अगर आप एमपी में देखेंगे तो एमपी या किसी भी एग्जाम में देखेंगे जब नायब तहसीलदार वगैरह का पेपर, वैसे नायब तहसीलदार का पेपर जो होता है डायरेक्ट अलग से होता नहीं है, कोशिश ये कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है या कि फिर पीसीएस के थ्रू होता है, या कुछ मतलब हैं कुछ स्टेट जैसे हिमाचल प्रदेश है या हरियाणा है, यहाँ नायब तहसीलदार का डायरेक्ट पेपर होता है। अदरवाइज ये जो नायब तहसीलदार की वैकेंसी है आती है पीएससी के थ्रू, पीएससी एग्जाम लेती है, पीएससी में जब आपके थोड़ा रैंक थोड़ी कम होती है तब आपको नायब तहसीलदार दिया जाता है। ऐसे में डीडीए का नायब तहसीलदार जो है, जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसका जो नायब तहसीलदार है और जो सेंट्रल और जो स्टेट का नायब तहसीलदार होता है उसमें काफ़ी अंतर है। अंतर इन द सेंस मतलब आपको पे स्केल जो भी मिलेगी वो एमपी के या यूपी के नायब तहसीलदार से कहीं ज़्यादा मिलेगी। एक दूसरा, आपका जो प्रमोशन है फिक्स रहेगा क्योंकि जल्दी होगा, क्योंकि जो डीडीए है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत अर्बन जो है डेवलपमेंट मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, उसके अंतर्गत आती है। तो आपका जो पूरा का पूरा जो एक प्रमोशन है बहुत फिक्स रहेगा, प्रमोशन बहुत आगे रहेगा। तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि आपके पास समय नहीं है या इतना कम समय रह गया तो कैसे करें। यार देखो, बहुत मैं अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से मैं चीज़ बता देना चाहता हूँ। आज काफ़ी हमारे पास टाइम है अभी, आज 15-16 तारीख, आज कौन सी तारीख है भाई बेटा, बच्चे 16 है आज, 17 है, कितनी आज 17 है, आज पेपर है 29 को, हमारे पास काफ़ी समय है। अगर आप ढंग का पढ़ना चाहते हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं तो 2-4 हफ्ते की छुट्टी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको कंपाइल कर लीजिए पूरे सिलेबस को एकदम ज़बरदस्त तरीके के साथ। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़ें कि अब इस लास्ट मोमेंट में क्या किया जाए कि डीडी नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम क्रॉस हो। कुछ लोग कहते हैं कि सर हर हाल में करना है, पर उनके पास रिसोर्स ही नहीं है। तो ये नायब तहसीलदार के पेपर के लिए आपको सबसे पहले इसके सिलेबस पर डिस्कशन करना है, आपको इसका सिलेबस बेसिक तौर पर मोटा मोटा सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। एक स्ट्रेटजी बनाइए अपनी पूरी, एक स्ट्रेटजी से काम करिए, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो लोग पेड ये जो हम लोग ग्रुप में हैं, मैं उन सबसे आप सबको भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं जो दे रहा हूँ तो पढ़िए पढ़िए, साथ में अब जो मैं गाइडेंस दे रहा हूँ उसको भी पढ़िएगा। यार मतलब इतना कुछ कैसे उपलब्ध, जितना आपको मैंने मटेरियल दिया है बहुत ज़्यादा मटेरियल मैंने आपको भेजा है, लेकिन अब जो बता रहा हूं एक पॉइंट शॉर्ट में है पूरा। आप एक काम करिए, इस सिलेबस को निकालने के लिए आपको एक जीके की किताब है लूसेंट, ठीक है, तो एक बार उस जीके लूसेंट को आप कम से कम नहीं तो 4 दिन में इसे खत्म कर दो, 4 डेज से ज्यादा मत लेना इसको, क्योंकि इसमें अनवांटेड चीज मत पढ़ना, क्योंकि आपका जीके का पोर्शन उसमें बहुत अच्छे से ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। खासकर जो आपको नाइन्थ जो आपको साइंस दी गई है, साइंस बोली गई थी 10th तक पढ़ने के लिए, तो साइंस उसी में पढ़ लीजिए, बाकी अलग से मत पढ़िए, क्लियर हो बात तो ये तक। पहली बात तो ये जान लीजिए आप कि आपको ये कंप्लीट कर देना है। दूसरा, इसमें पॉलिटी का मैंने पूरा सेक्शन उसमें कंप्लीट करके आपको भेज दिया है, तो पॉलिटी पढ़ने के लिए सबसे अच्छी यही है कि आप 11th क्लास की एनसीईआरटी उठा लीजिए, वो आपको एक दिन में खत्म कर लेंगे। और लक्ष्मीकांत पढ़ने का टाइम नहीं है,
तो अच्छा ये होगा कि जो ब्रह्मोस वीडियोज है उसको देख लीजिए, या कि आप अगर उसको कंपाइल करके दो तीन चैप्टर लक्ष्मीकांत के वही पढ़ सकते हैं। जैसे एक है सेलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सब कुछ आ जाएगा आपका एक प्रकार से, वो पूरी वीडियोज में आपको दे रखा है, मैंने ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया था। इसके अलावा इसके साथ साथ जब बात आएगी ज्योग्राफी की, तो आप ऐसा कुछ नहीं, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी उठाइएगा, उसको कंप्लीट कर लीजिए। सामाजिक जो है, सामाजिक संरचनाएं क्या है या भारत में विविधता कैसी है, उसके लिए आप जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ सकते हैं, या ग्रुप में मैंने आप लोगों को जो डाल रखा है वो जो आपका सोशियोलॉजी की पूरे एक वीडियो बना के मैंने डाल रखी ब्रह्मोस, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। दो वीडियो मैंने बनाई थी, एक क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमी आपको पढ़नी है, इकोनॉमी शॉर्ट में कैसे करें, इकोनॉमी शॉर्ट में करने के लिए 11 क्लास की इस पार्ट टू पढ़ना है आपको। पार्ट टू मतलब जो है ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे के समय या स्वतंत्रता के बाद जो भी जो चीज़ें, मतलब आपको डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह चीज़ें नहीं देखना है, उसे भी देख सकते हैं अगर आप रीजनिंग वगैरह में पार्ट में जाना चाहते तो उसमें भी आपको सहायता मिलेगी। ये रहा एक प्रकार से क्लियर कट। इसके अलावा इसमें और क्या है, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री कैसे पढ़ें, तो हिस्ट्री पढ़ने का इस समय सबसे शॉर्ट में तरीका यही है कि आप ऐसा करो, जब लूसेंट उठाओगे, लूसेंट में हिस्ट्री है, उसमें उसको आप पढ़ डालो पूरा। मैं आपको बोला ना, इस समय कंपाइल आप कर लीजिए एनसीईआरटी पूरा, आपको लूसेंट कर लेंगे तो उसमें काफ़ी कुछ आपको नॉलेज मिल जाएगी। साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज आप कर लीजिए। तो अभी मैं 15 टेस्ट सीरीज हम लोग करवाए हैं, 15 टेस्ट, 10 टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं, 5 बची हैं, वो भी हो रही हैं, पूरी फुल टेस्ट सीरीज हैं। और उसकी पहले हमारे कोर्स की फीस काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब मेरे पास बहुत डिमांड आ रही, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इतने पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कई लोग बार तो लोग मतलब वीडियो के नीचे कमेंट मतलब शुरू कर देते हैं, फालतू फालतू कमेंट। ठीक है, अच्छा उनके बाप दादाओं को ये नहीं पता कि जब मतलब मेहनत करनी पड़ती है ना, तब फट के हाथ में आ जाती है। ठीक है, मैं डरता उड़ता नहीं किसी से बात करने में सब चीज़ों में। आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि आप फट से एक कमेंट लिख दिए। ठीक है, अभी बोल दूँगे 4 पेज टाइप करने के लिए ना, तो सारा का सारा मादा ख़राब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फालतू कमेंट करने से बचा करें। ठीक है, क्योंकि कमेंट मैं भी कर सकता हूँ, मैं एक शिक्षक को जिसकी वजह से अपनी मर्यादा में बंधा रहता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखें, आप पुलिस वाला रह चुका हूँ, आपसे ज़्यादा गालियाँ मुझे आती हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, और एब्यूज़ लैंग्वेज का बिल्कुल प्रयोग ना करें मेरे वीडियो के में खास करके। ठीक है, पसंद नहीं आए कोई बात नहीं, मैं अगर बनाता हूँ तो मैं अपने व्यूज़ रखता हूँ। ठीक है, मैं आपके किसी प्रकार, मैं आपसे नहीं कहता आप मेरी वीडियो देखें, ये आपकी मर्जी है, ना तो तैयारी करें तो आप देखें, लाइक कर डिसलाइक कर। ठीक है, कमेंट अच्छा करते हैं अच्छा करिए, बुरा बिल्कुल करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, मुझे भी अच्छे से पता कितने सेक्शन लगाते हैं, कितने सेक्शन लगाते हैं अब्यूजिंग लैंग्वेज में। ठीक, हाँ खैर, सभी लोगों के बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, कुछ एकाध दो वो होते हैं मतलब मूर्ख टाइप के लंपट, तो मैं वो नहीं हूँ, दूसरा यूट्यूबर कभी मत समझ लीजिएगा कि मैं आपको माफ़ कर दूंगा या छोड़ दूंगा आपको मैं। ठीक है, घर में घुस के पेलूंगा मैं, मतलब थोड़ा सा दूसरे प्रकार का व्यक्ति हूँ, इसलिए पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल सिर्फ जब तक पढ़ाता हूँ शिक्षक की तरह, नहीं तो मैं तुमसे ज़्यादा बेशर्म आदमी हूँ। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें, अपनी मर्यादा अपने पास बनाए रखें। ठीक है, क्योंकि आपके भी माँ बाप हैं, मेरे भी हैं, और आपके माँ बहन हैं, मेरे भी माँ बहन है ना, तो कोशिश ना करें सब चीज़ें करने की। खैर, तो अब मैं इसमें देखता हूँ सिलेबस के बाद जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज का एक कोशिश की गई है। आपको पता है कि टेस्ट सीरीज जो है बहुत कॉस्टली पड़ती है टेस्ट सीरीज, कई बार कुछ लोग कहते हैं सर SSC की टेस्ट सीरीज हमें 500-600 मिल रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज बताइए सर 1500-3500 मार्क रहे हैं। यार ये बताओ, SSC के टेस्ट सीरीज जो है वो टेस्ट सीरीज हमेशा काम आती है, इस साल भी काम आएगी, अगले साल भी काम आएगी, थोड़ा सा अपडेट करके चेंज कर देंगे। हमारे लिए नायब तहसीलदार ये पेपर पहली बार हो रहा है, ऑनलाइन पेपर पहली बार हो रहा है, इसके बाद डिपार्टमेंटल होता था, अब हम पहली बार आपके लिए बना रहे हैं, और एक पेज को छापने के लिए 50 रुपये ले रहा है टाइप करने वाला, उसे पता है कि इसकी वो है। अब एक टेस्ट सीरीज में कम से कम 20 पेज होते हैं, 20 मल्टीप्लाई 50 करिए होता लगभग कितना, आप समझ लीजिए, अब 20 पेज है, अब मल्टीप्लाई 15 टेस्ट सीरीज कितने हुए आपके, 300 पेज हुए, 300 पेज को मल्टीप्लाई 50 से कीजिए कितने हुए, 15,000 रुपये टाइप के हुए। अब 15,000 टाइप के बताना, मैं PDF बना के हमें 15,000 रुपये में देता बंदा, और जो क्वेश्चन पेपर बनाएगा वो जो सेटिंग करेगा, तो इसलिए थोड़ा सा अनवांटेड टॉक मत किया करें, मैं आपके सपोर्ट के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं ऑलरेडी बहुत सारी ऑनलाइन अकेडमीज में क्लास दे रहा हूँ, मुझे कुछ चीज़ बात के लिए मेरे पास जब मैसेज आते हैं कि सर कुछ ऐसा करवाइए, तब मैं करवाता हूँ। तो इसका भी थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, इसका मतलब चढ़ मत जाएं सिर पर। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, इसकी टेस्ट सीरीज करिए, टेस्ट सीरीज में आप पूरा का पूरा पोर्शन जानने की कोशिश करें और सॉल्व करने की कोशिश करें ईमानदारी से।
और इस टेस्ट सीरीज जब 15 टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएंगी तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक टेस्ट सीरीज के कि मैं वीडियो आंसर की बना सकूं। अभी मैं आंसर की देता हूं, बाद में वीडियो आंसर की बनाऊंगा। तो बेहतरीन स्ट्रेटेजी जो है अभी आपकी 10 से 12 दिन की यही होनी चाहिए कि एक दिन में एक पार्ट कंप्लीट हो जाए, एक दिन में एक पार्ट कंप्लीट हो जाए, एक या दो टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाए। और उस पर कितना, अगर आपका एवरेज मार्क्स लगभग 80 क्रॉस कर रहा है तो कुछ भी कहने दो किसी को, 1/3 मार्किंग है यार, ठीक है 1/3 मार्किंग, अच्छे अच्छे को हवा टाइट हो जाती है, इसमें टेंशन ना लो। 80 अगर क्रॉस कर रहे हैं, 75-80 जा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। हाँ, अब हो सकता है भगवान वहां पर ऐसा कर दे कि बहुत ही ईजी पेपर दे दे तो अलग बात है, लेकिन ईजी पेपर नहीं आने वाला है। तो आप सबसे पहले ये जो स्ट्रैटेजी है इसको पूरा फॉलो करें, आप इसको इतनी जबरदस्त तरीके से कि आपके पास सिलेबस, आपको पता है पूरा का पूरा सिलेबस मैंने एक शॉर्ट में डिस्कस कर दिया कि जितने भी एक्ट हैं, चारों एक्ट हैं, आप देखिए 1/4 में तो पूरा एक्ट है, आप इसका सिलेबस उठा के देखेंगे तो एक्ट है पूरा। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसमें एक है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1974, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली में यहां पर होगा वो 1954 है वो, ठीक है। और एक और है दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957, इसके बाद है एनसीटी एक्ट जो है आपका 2006, और एक और एक्ट है हमारा जो है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये चार एक्ट हैं, ये चारों का पोर्शन लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, ऐसा माना जा रहा है। अब वो बढ़ा सकता है या घटा सकता है, उसकी मर्जी अपनी डीडीए की। इसके अलावा पॉलिटी का सेक्शन इसमें जबरदस्त तरीके से करिएगा, ज्योग्राफी करिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो है आपके लिए जो आप जगह ना इकोलॉजी वगैरह, क्योंकि ये बहुत सारे मैटर चेंजिंग चल रहे हैं और इनका होना तय है। मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी बहुत सारे इधर उधर से कलेक्ट करके, तो पीडीएफ आप पढ़ा करो यार, ये मत देखा करो। कुछ लोगों ने बोला कि सर ये पीडीएफ हमें कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी, तो ले लो ना यार, फिर इतना टाइम है कि मैं आपके लिए टाइप करूँ, मुझे अच्छा लगा कि मुझे लगता है कि हाँ ये जो रिसोर्सेस आपके लिए आवश्यक है, तो आपको मैंने ग्रुप में दिया, आप उसको करिए। पढ़ा जाता नहीं आपसे, पता नहीं किस भ्रम में आप लोग बैठे। कुछ लोग बोले सर मैं यूपीएससी का मेंस लिख रखा हूँ, तो लिख रखे से क्या होता है, तुम लिख रखे हो क्या, हाँ पीटी निकाल रखे हो, बहुत बड़ी चीज़ कर ली क्या यार, ऐसी बातें नहीं की जाती हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा एक जो प्रिपरेशन का एक एजेंडा रखेंगे आप, ऐसे रखेंगे, ठीक है। इस समय सबसे जो भी मैंने 3-4 किताबें बताई उतना ही रिफर करिएगा टेस्ट सीरीज बाकी, और घमंडी जो भी हो वो अभी से इसको ड्रॉप कर दें, या कि आपका अपना घमंड उतार दें यार, बिलीव मानो। मान लो मैं यूपीएससी का फलाना कर रखा, ढमका कर रखा, अब मैं कुछ नहीं हूँ, तो कुछ नहीं हूँ, आप पीटी निकाल रखे हैं, मेंस निकाल रखे हैं ना, आपकी औकात वही है जो एक प्रीलिम्स देने जा रहा है। हो सकता है बुरी लगे, लेकिन हकीकत इतनी ही याद रखिएगा। और जितना ही आप झुकेंगे, मतलब जो लदे होते हैं झुके होते हैं ना, और जो खाली होते हैं लंठ खड़े रहते हैं साढ़े, बिल्कुल सूखे पत्तों के पेड़ों की तरह, और जो जिन पेड़ों में लगा होता है वो झुके होते हैं। तो चीजों को ध्यान रखिए आप अच्छे से, अपने दिमाग में ये जो भ्रम है आपका ना, कि आप लोग भ्रम पाल रखे हैं कि मैं फलाना मैडम को, मेरे को मैसेज आते हैं सर एक बार मैंने यूपीएससी कर रखा, सर मैंने मेंस कर रखा, सर मैंने तो कर रखा है, तो अब क्या हो, अभी कुछ नहीं हो तुम। तो अगर स्ट्रेटजी बात की जाए, ढंग की बात की जाए, गवर्नमेंट लेवल बात की जाए, तुम्हारी औकात चपरासी से नीचे अभी, क्योंकि प्यून भी एक प्रकार के एग्जीक्यूटिव में शामिल है, वो आप अभी नहीं हो। अपने आप को घमंड को हटाओ, नायब तहसीलदार की ओर जाना है, 6 पोस्ट हैं, हमें यकीन से मानिए 6 पोस्ट वो लेंगे जो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से वर्क कर रहे होंगे, चाहे देख लेना आप में से ही कोई होगा, लेकिन वो कौन होगा अब देखना उसको। यार एटीट्यूड आना चाहिए उस चीज़ का, लेकिन एटीट्यूड ऐसा नहीं कि गलत एटीट्यूड। तो इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से फोकस करके इसको पढ़ें, सबसे पहले पॉलिटी लैंड रेवेन्यू एक्ट सारे पढ़ लें, उसके बाद फिर ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के साथ इकोलॉजी एनवायरमेंटल को देखें, और उसके बाद आप हिस्ट्री पढ़िएगा, वो भी हिस्ट्री पढ़िएगा लूसेंट के अंदर से पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पार्ट टू के लिए क्या करना है, इंग्लिश आपको पता है, इंग्लिश एक बार फिर से लैंग्वेज और पैसेज एक आध दो कर लीजिए, पैसेज वगैरह जो मैं टेस्ट सीरीज वगैरह देता हूँ, और इसके अलावा रीजनिंग को नॉर्मल रीजनिंग जितनी आए। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बेस्ट स्ट्रैटेजी बहुत कूल होकर के जिस पे जिससे भी पढ़ें विश्वास रख के पढ़ें, ये सबसे पहले स्ट्रैटेजी, जिस किताब से पढ़ें विश्वास रख के पढ़ें, शक से पढ़ेंगे
और शक के आधार पर रहेंगे तो आपको शक ही रहेगा। और अगर आप विश्वास के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको विश्वास मानिए, उस पर आपको विजय प्राप्त होगी। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या करें, पार्ट वन की स्ट्रेटजी को अच्छे से करें आप। पार्ट वन में सबसे पहले आप उठाएंगे पॉलिटी, और पॉलिटी के बाद तुरंत उठाएंगे सारे एक्ट, ये चारों जो एक्ट हैं इसको कंप्लीट करेंगे और ये एक एक दिन में आपके होने चाहिए। दूसरा उसके बाद आपको उठाना है एक्ट के बाद, चारों एक्ट करने के बाद फिर आपको उठाना क्या, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के साथ आप पढ़ेंगे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को, इसके साथ निपटा देंगे, कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे बॉस, तो हिस्ट्री के साथ आप एक चीज पढ़िएगा, उसका नाम है सोशियोलॉजी, जिसमें सोशियोलॉजी में क्या देखा, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, और इसके साथ साथ आपको उसमें रहेगा डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो ये आप इसको एक साथ बना के पढ़ेंगे। इसके अलावा इसको कंप्लीट जब कर लेंगे आप, तो आपको एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तब बचेगी साइंस। तो जो साइंस पढ़नी है आपको लूसेंट की उठा करके पढ़ लेनी, बस जो छोटा सा पार्ट उसमें, खासकर उसमें पढ़िएगा जीव विज्ञान पढ़िएगा, और थोड़ा बॉटनी और रसायन विज्ञान। तो जीव विज्ञान में ज़्यादा, मतलब जूलॉजी में ज़्यादा आप इंपॉर्टेंट देंगे। इतना होने के बाद आपको इकोनॉमी पढ़नी है। इकोनॉमी में कुछ नहीं, आप ऐसा करिएगा, एक तो अभी जो स्कीम्स चली हैं पिछले एक साल से, वो स्कीम्स को आप पूरा पूरा देख लीजिएगा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट 10 से 15 स्कीम बना लीजिएगा, वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। इसके अलावा इसमें एक किताब है जैसे 12th क्लास की या NCERT, उसमें आप बैंकिंग पढ़ेंगे, बैंकिंग और मनी सिस्टम पढ़ लेंगे, वहां से क्वेश्चन आप बनता है या बनता है वहीं से क्वेश्चन बनेगा। और 11th क्लास की आप LPG पढ़ सकते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन वाली बात है मैटर, उस पर कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों दोनों को मैं बता रहा हूं। इतना क्लियर होने के बाद आपके पास जो एक सब्जेक्ट बचता है, और वो क्या बचता है आपका, करंट अफेयर बेसिक तौर पर, बाकी सबको ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी होगी, सब कुछ होगी, हिस्ट्री होगी, सब हो गए। अब बचता है हमारा कि आप कैसे करें उसको, इस सब्जेक्ट को कैसे लें। इस सब्जेक्ट को लेने के लिए तरीका यह है आपका, करंट अफेयर को 6 महीने के करंट अफेयर, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, नवंबर अक्टूबर से लीजिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये करने ही करने आपको तय है। ग्रुप में भेजा गया उसको भी कर सकते हैं, कहीं से भी लेके कर सकते हैं, बस विश्वास के साथ उसको पढ़ें, ठीक है। इतना करने के बाद आप ये लगातार आपको एक हफ्ते से डेढ़ हफ्ते में खत्म कर देना, और साथ ही साथ आपको 2 घंटे निकालने, 2 से 3 घंटे निकालने किसके लिए, टेस्ट पेपर के लिए। अब टेस्ट पेपर तो मैं तो ये रिकमेंड करता कहीं से ले लीजिए, लेकिन DDA टेस्ट पेपर हमारे अलावा कोई बनाता नहीं है, DDA नायब तहसीलदार का, तो यहाँ से हमारे यहाँ से ले सकते हैं। और मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी इसमें कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और साथ ही साथ विश्वास के साथ सिलेबस रख करके इसमें करते रहिए, और ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना। विश्वास ये रखना कि आप बस ही एग्जाम नहीं दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, किसी के पास एक्स्ट्रा वर्क करने का टाइम नहीं था, सबके पास बराबर टाइम है। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी शुरू कर रहे हैं, तो मैं इस सब चीज़ों के लिए, एक कोर्स के लिए पूरा का पूरा, पूरी टेस्ट सीरीज 15 टेस्ट सीरीज और ये सब चीज़ों के लिए एक जो कंट्रीब्यूशन, जो एक सहयोग राशि के तौर पर आप इसमें सहयोग राशि प्रदान कर दीजिएगा, 1000 से लेकर के आपको 1100 रुपये तक का सहयोग राशि आपको देनी है, ठीक है। 1000 कम से कम, अगर आप पैसे ठीक ठाक है आपके पास तो 1100 रुपये, ठीक है, कम से कम, बाकी आपकी मर्जी, श्रद्धा पूर्वक आप चौहान अकेडमी को दान करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन इतना तो मैं कंट्रीब्यूशन लूँगा, क्योंकि जो बंदा टाइप कर रहा है, जो बंदा आपके लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा है, बना रहा है, ठीक है, मैं चलो मान लो अपने वीडियोस का, लेक्चर का प्रमोट, जो वीडियोस हैं या इनका मैं नहीं लूँगा जो अपने पढ़ाऊंगा, लेकिन जो दूसरे वर्क कर रहे हैं मैं उनसे नहीं कह सकता कि आप भी फ्री फंड में वर्क करें किसी के लिए। ये मेरी अपनी स्वेच्छा है कि मैं आप लोगों के वीडियोज या सब चीज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको अभी, जब तक आपके एग्जाम हो उसके 2 से 3 दिन तक भी अगर आप लेते हैं, तब भी आपको 1000 रुपीज तक का मिनिमम आपको पे करना पड़ेगा, देन यू कैन गेट द। अच्छा, टेस्ट सीरीज का जो माध्यम है वो पूरा का पूरा इंग्लिश में है। हिंदी की टेस्ट सीरीज कम से कम 5 टेस्ट सीरीज निकालने के प्रस्ताव चल रहा है, तो अगर मान लीजिए आप लोगों को ऑर्डर आता है या ऐसा चीज़ें, तो हिंदी वाले को बुला के, हिंदी वाला क्या 60-70 रुपये लेता है पर पेज का, सेटिंग का और बनाने का टाइप का, हम देंगे, हम उसको करवाएंगे, मेरे तरफ जितनी कोशिश होगी पूरी करूँगा मैं। तो ये पूरा का पूरा रहा आपकी एक स्ट्रेटजी, एक तरीका निकालने का, विश्वास के साथ अच्छे से करिए आप, घबराइए बिल्कुल नहीं, अभी टाइम है, कूल हो जाइए। अभी प्लानिंग असिस्टेंट वालों के पास 1 हफ्ते का टाइम था, कल उनका पेपर है, अब देखिए क्या करते हैं वो लोग। उन लोगों ने 10 टेस्ट सीरीज किए हैं, उन्होंने, उनके लिए भी मैं ही था एकमात्र व्यक्ति जो उन्होंने, जिनको प्रूजी प्रोवाइड करवाया, और इसीलिए थोड़ा सा उसमें ज़्यादा बिजी भी रहा मैं। अगर किसी प्रकार का उनसे क्या मतलब वो मिलता है फीडबैक, मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा कितने क्वेश्चन फंसे हमारे टेस्ट सीरीज से, या कितना सहयोग रहा हमारी ब्रह्मोस कैप्सूल्स है वीडियोस का, ठीक है। टेक केयर, मैं चलता हूँ, दिनेश चौहान, मिलूंगा फिर आपको नई स्ट्रेटजी के साथ। इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप, हर एक नायब तहसीलदार जो भी प्रोफेशन कर रहे DDA का, ठीक है, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।